जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसाना मजदूरों का एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसाना मजदूरों का दुकानदारों का एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सरदार सतनाम सिंह पन्नू और सरवण सिंह भंधेर वालों एक साझा प्रोग्राम लिखा गया सी कि अज दे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पुतले फूके जाणगे अते मार्केट कमेटियां अते खेतीबाड़ी दे दफ्तरां दे विच जाके लोकां दीआं हक्की मंगां संबंधी मंग पत्र दित्ते जाणगे। ते इसे कड़ी तहत अज जथेबंदी के हुक्मां की पालना करते हुए काबल सिंह कलेर ते टेक सिंह जी झंडे वालों मार्केट कमेटी दफ्तर अते खेतीबाड़ी दफ्तर मंग पत्र दिते गए अते इस तों इलावा बस स्टैंड मजीठा विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के विरोध जताया गया कि अजे बहुत सारिया मंगा हन जिन्हां वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ख्याल नहीं दे रहा। तो उन्हां वल्लों चेतावनी दी गई कि साडियां मंगा तुरंत मंगियां जाण नहीं तां वड्डे पद्धर ते फिर संघर्ष आरंभिया जाएगा। हाँ जी प्रधान जी, अज का इकट्ठ क्यों किया गया जी? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जोन मजीठा का आगू कृपाल सिंह कलेर बोलदा जी। अज असी अपनी जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों जिहड़ा पूरे पंजाब दे विच मार्केट कमेटी के अहुदेदारां नूं जिहड़े मंग पत्र दिते जाणे आ जिन्हां दे विच मुख शर्तां ने साडियां वी जिहड़ी सरकार ने 23 क्विंटल की झोने के उत्ते शर्त लाती आ खरीद की जमाबंदियां फरदां जिहड़ियां मंग रहे आ इहनां नूं वापस किया जाए। झोने ते जिहड़ियां बेलोड़ियां शर्तां आ बदरंग दाणा जां टोटे दाणे दे विच जिहड़ियां वाधू शर्तां लईआं उहनां नूं घटाया जावे। 24 घंटे दे विच फसलां दी अदायगी कीती जावे। 48 घंटे दे विच जिहड़ा अपना लिफ्टिंग कीती जावे। नवें शैड बनाए जाण। मंडी बोर्ड वल्लों जिहड़ियां सड़कां पिंडां दीआं खराब होईआं रस्ते खराब होए आ उह बणाए जाण। जिहड़े मुलाजम आ उह पक्के भर्ती कीते जाण। ते झोने दी जिहड़ी सांभ संभाल दी आ पराली दी आ वह 90% सबसिडी जारी करके वह किसान मजदूरों को कोई संद मुहैया करवाए जाण। इन्हां मुख मंगां नूं लैके अज असी मार्केटिंग कमेटी मजीठा नूं आपां मंग पत्र देण वास्ते आए हाँ। सो असी सरकार तो मांग करदे हाँ भी इन्हां शर्तां नूं जिहड़ा साडा छेती तो छेती हल किया जाए तां जो किसान जिहड़े आ उह आउण वाले समें दे विच कोई राहत महसूस करन। धन्नवाद जी। जे अगर कमेटी सरकार तुहाडीआं गल्लां नहीं मानदी कमेटी तां अगे पहुँचा दोगे, सरकार नहीं मानदी फिर की करोगे जी? ये आने वाले समय के फिर जथेबंदी बह के सारा अपना आगू साहबान बह के सूबा कमेटी वो जो अगली रणनीति होएगी फिर वो मुताबिक जो कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर, तुम अब मंग पत्र दिता गया किसानों वालों बारे की कहना चाहोगे? जिन्हें भी मंगा लिखिया गई बिल्कुल जायज लिखिया गई तो यह समय की मंग आ। एक सिर्फ किसानों की नहीं, यह समय की मंग है तो सारिया कौमों वास्ते ये शर्तां लागू होनी चाहिए हैं। तो जिहड़ा मंग पत्र बनाया गया वह सारिया वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जिथे किसानों दी मंगां वा उत्थे लोगों दी जिहड़ियां होर दिक्कतां वा जिवें सड़कां दी मंग है, मुलाजमां दी भर्ती दी मंग आ, होर बहुत सारियां मंगां जिहड़ियां ए कुल मिला के जे कह सकदे आ ते इह किसानां दा मंग पत्र इहनूं सर्ब सांझा मंग पत्र कह सकदे आ। ते इहनां दा जिहड़ा मंग पत्र आ अज ही उच्च अधिकारियों नूं हुणे ही 5 मिंटां तों पहलां मेल कर दित्ता जावे ते इहनां दीआं जो भी मंगां ने उह सरकार तक पुजदीआं कर दित्तीआं जाणगीआं। हाँ जी सर, अज जो किसानों वालों तुहानूं मंग पत्र दिता गया उहदे बारे कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, ये जिहड़ा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों जो ये मंग पत्र साडे डिपार्टमेंट खेतीबाड़ी महकमे नूं दिता गया वा, साडा डिपार्टमेंट अगे पहलों तो ही किसानी की सेवा कर रहा वा ते किसानां दी हर जायज़ मंग जिहड़ी आ असीं अपने लैवल ते भी सरकार नूं पहुँचाउंदे रहिंदे आ। ते अज भी जो इहनां ने मंगां रखियां वा तो असीं इह तां अपने सीनियर अफसरां राहीं इहनां दी पुजदियां करांगे ते जो भी इहनां दीआं जायज़ मंगां होणगीआं उन्हां ते अफसरां कोलों अहीं मतलब करवा के ते कोशिश करांगे भी इहनां दा हल जिहड़ा कढ़िया जा सके। अज जिहड़ा इहनां दा मेन मंग हैगी आ उह झोने दे वायरस संबंधी हैगी आ। तो बीमारी यह जरूर है कि नवीं आर कि पहली बार ही आई आ, पर फिर भी अपने माझे जोन दे विच बहुत नाम मात्र ही आ। असीं वख वख पिंडां दा पहलों ही सर्वे कर चुके हाँ तो किते किते मतलब कोई 1-2% ही मतलब आपां कह सकते हैं भी अपने हैगी आ, पर उहदा यूनिवर्सिटी दे नाल भी चल रहा वा, डिपार्टमेंट भी अपने लैवल ते कर रहा वा। तो जो भी इहदा मतलब हल होएगा मतलब जल्द तो जल्द जिहड़ा किसानां लई कीता जाऊगा। अच्छा सर, पराली तो लैके किसान बड़े दुखी है, पराली का कोई हल अजे तक सरकार ने कोई कढ़िया ही नहीं है, जो कढ़िया है वो बहुत महंगा है, उहदे बारे कुछ अपना महकमा कुछ कार्रवाई करेगा जी? हाँ जी, पराली बारे वेखो जी, सरकार ने संदां दे उत्ते सबसिडी दित्ती हुई आ, ठीक है जी,
वह किसान जिहड़े भी अप्लाई करते पहलों मतलब 80% सबसिडी से भी संद लोगों मिले आ हुण इस वेले इंडिविजुअल संद 50% सबसिडी से भी लोगों दिए जा रहे हैं तो बड़े लार्ज स्केल से सरकार ने अरकां संद जिहड़े मुहैया कराए आ जिन्हां मेरे किसान वीरां ने अप्लाई किया सीगा उन्हां नूं संद जिहड़े आ मतलब सरकार ने बड़ी मतलब निरपक्षता दे नाल लाटरी सिस्टम राहीं डीसी साहब ने कढ़े आ ते उन्हां किसानां नूं सारयां नूं सैंक्शन लैटरां इशू कर चुके आ ते उह किसान हुण अपने संद जिहड़े खरीद रहे आ ते खरीद के उह दुबारा मतलब वेरीफाई करके ते उन्हां दी सबसिडी जिहड़ी आ जल्द तों जल्द पवाई जाऊगी। बाकी होर भी जिहड़ा पराली दा मुद्दा वा असी वख-वख पिंडां च कैंप भी लाए आ ते अवेयरनैस भी जिमीदारां नूं लिआंदी आ भी इहदे नाल काफ़ी नुकसान हो रहा वा इहदा हल जिहड़ा वा भी बेलर भी चल रहे आ मतलब बेलर राहीं फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़े बेलर चल रहे आ ते उहदे राहीं भी आपां करा सकदे आ ते बाकी जिसे आपां कणक दी बिजाई करनी आ उत्थे पराली दा कोई एड्डा वड्डी समस्या नहीं हैगी कैंपां राहीं जिमीदारां नूं अगे भी मैसेज दे चुके आ ते अज तुहाडे माध्यम राहीं भी इहनां नूं इही कहांगे भी सिर्फ जिथे सब्जी वालियां पैलियां वा जिथे आपां कोई 2-4 किले मटर जां सब्जी होर लाउणी आ उहदी आपां बेलर दे नाल जां गुजरां कोलों जां किसे माध्यम राहीं कढा लईए ते जिथे आपां कणक बीजणी आ क्योंकि कणक बीजण दे विच अजे समां काफ़ी आ उत्थे पराली दा जिहड़ा वा आपां कणक दी बिजाई आपां हैप्पी सीडर दा ते जां सुपर सीडर दा करके नाले दा आपणा खर्चा घट जांदा वा ते नाले जिहड़ी आ पराली जिहड़ी आ उह आपणी खाद वांगू आपणी जमीन नूं लगदी आ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਭੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਗੜਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੂਗੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਅ ਵੀਟਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਨੀਆਂ ਬੰਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਨ 'ਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਏ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਸਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ।